पाने में जो आदमी सहयोग किया है वो सबको मुदाला कर रहे हैं, उसके घर में रेत कर रहे हैं, उसको खदेड़ रहे हैं। उधर दारू तस्कर फोन करता है कि जो पकड़वाया उसको गोली मार देंगे। शराब माफिया का सूचना देकर पकड़ना ग्रामीणों को पड़ा महंगा। पुलिस ने शराब कारोबारी के साथ साथ ग्रामीणों पर किया मामला दर्ज। एसएसपी ने कहा जांच कर बेकसूर लोगों को मिलेगी मुक्ति। नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर आम लोगों से अपील कर रही है कि अपने क्षेत्रों के शराब कारोबारी की सूचना दे। आपकी जानकारी प्रशासन के द्वारा गुप्त रखी जाएगी, लेकिन सरकार के इस अपील का पालन करना हनुमान नगर प्रखंड के गुदाई पट्टी पंचायत के माधोपुर गांव निवासी को महंगा पड़ रहा है। जब से ग्रामीणों ने शराब कारोबारी की सूचना देकर पकड़वाने का काम किया है, तब से कारोबारी के द्वारा धमकी दिया जा रहा है तथा पुलिस मदद की जगह उन लोगों को कारोबारी का संरक्षण देने के आरोप में नाम देकर परेशान कर रही है। वही पीड़ित सरपंच पति मोहन मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की अपील पर शराब माफिया की सूचना देकर उसको पकड़ना हम लोगों को भारी पड़ रहा है। मोरो थाना के द्वारा एफआईआर में उन्हीं लोगों का नाम दिया है जिन्होंने शराब कारोबारी की सूचना जिला मद निषेध विभाग को देकर शराब पकड़वाने का काम किया। वही सरपंच पति मोहन मिश्रा ने कहा कि सूचना के बाद 14 फरवरी 2022 को रात्रि के 11 बजे कार्रवाई करते हुए दो पिकअप वाहन और 5 मोटरसाइकिल तथा एक ट्रक को जब्त किया। वही पुलिस को आता देख शराब कारोबारी भागने लगे। भागते देख ग्रामीणों ने 3 कारोबारी को खदेड़ कर पकड़ कर थाना को सौंप दिया, जिसके बाद मोरो थाना की पुलिस ने शराब कारोबारी का संरक्षण देने के आरोप में गांव के लोगों के साथ मेरा नाम देकर परेशान कर रही है। आलम यह है कि एक तरफ मोरो थाना की पुलिस गांव में छापेमारी कर परेशान कर रही है तो दूसरी तरफ शराब कारोबारी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पाने में जो आदमी सहयोग किया है वो सबको मुदाला कर रहे हैं, उसके घर में रेत कर रहे हैं, उसको खदेड़ रहे हैं। उधर दारू तस्कर फोन करता है कि जो पकड़वाया उसको गोली मार देंगे। अब पुलिस सब सीआईडी के टीम लेके खोजिए रहे हैं। अब गांव के लोग घर से भागता है तो दारू वाला से मार खाए, घर में रहता है तो पुलिस से मार खाए। सब पकड़वाने वाले पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी क्या गांव का माहौल क्या? अभी गांव के लोग दहशत में हैं। किससे डर रहे हैं? घर से बाहर जाते हैं तब दारू वाला से जो फोन करता है, घर में आता है तो पुलिस से। गुप्त रूप से 10 आदमी मिल करके जिला टीम को सूचना करके यहाँ से सूचना किए जो ट्रक आ गया, इसको आकर के छापामारी कीजिए, तो जिला से आकर के पुलिस इसको उठा करके ले गया, जिसमें 3-4 को लोग भाग गया और 3 लोग धराया, जिसमें हम लोग पूरे गांव के लोग मिल करके, जिसमें हम भी हैं, पकड़ने में पकड़ करके रखे। फिर जितेंद्र चौधरी को फ़ोन किए तो यहां से उठा करके उसको ले गए और उसको संरक्षण जितेंद्र चौधरी देते थे, हम लोग पकड़ के दिए हैं तो वो कह दे, फिर हम ही को नाम दे दिए जी, सभी को सहयोग करते हैं, जबकि हम अपने मोबाइल से फ़ोन करके उनको बुलाए हैं, वीडियो रखा हुआ है, गांव के लोग पकड़ करके बांध करके उसको रखे हुए हैं, तो वीडियो भर पूरे गांव के लोग दहशत में हैं। मैं काफ़ी मात्रा में मतलब 3585 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई थी और घटनास्थल से 3 लोग पकड़े भी गए थे, कई मोटरसाइकिल, 5 मोटरसाइकिल, 2 पिकअप वाहन और एक ट्रक जब्त हुए थे वहाँ से। तो यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत है, लोगों को लगता है कि वो निर्दोष फंस गए हैं या किसी ने उनका नाम दे दिया है, तो इस संबंध में वो आवेदन दे सकते हैं। हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच, हमारे एसडीपीओ हैं वो इसकी कर लेंगे घटनास्थल पर जाके। और मैं ग्रामीण स्थानीय जनता को कहना चाहता हूँ कि एकदम निर्भीक होकर रहें, यदि वहाँ पर किसी प्रकार की और भी सूचना मिलती है तो वो दें। और इस केस में उनका नाम यदि उस प्रकार से दे दिया गया है तो इसकी जाँच हमारे एसडीपीओ करेंगे और रिपोर्ट देंगे, उसके बाद उनको इससे मुक्त भी किया जाएगा।